के मेरे साथी श्रीमान गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, संजीव बालियान जी, रतनलाल कटारिया जी, यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, श्रीकांत शर्मा जी, संसद में हमारी साथी बहन हेमा मालिनी जी, पार्टी के यहां के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे किसान भाई बहन, पशुपालक भाई बहन, आप सबको फिर एक बार राधे राधे। नए जनादेश के बाद कान्हा की नगरी में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मथुरा और पूरे उत्तर प्रदेश का भरपूर आशीर्वाद एक बार फिर मुझे और मेरे तमाम साथियों को मिला है। इसके लिए, आपके इस सहयोग के लिए, देश हित में निर्णय करने के लिए मैं आपके सामने आज इस ब्रज की भूमि से शीश झुकाता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के आदेश के अनुरूप बीते 100 दिन में हमने अभूतपूर्व काम करके दिखाया है। मुझे विश्वास है कि देश के विकास के लिए आपका ये समर्थन और सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। साथियों, ब्रज भूमि ने हमेशा से ही पूरे देश को, पूरे विश्व को, पूरी मानवता को, जीवन को प्रेरित किया है। आज पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के बचाने के लिए पूरी दुनिया को रोल मॉडल ढूंढ रहा है, लेकिन भारत के पास भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रेरणा स्रोत हमेशा से रहा है, जिनकी कल्पना ही पर्यावरण प्रेम के बिना अधूरी है। आप जरा सोचिए, कालिंदी, जिसको हम यमुना कह के पुकारते हैं, वैजयंती माला, मयूर पंख, बांस की बांसुरी, कदम की छाव और हरी भरी घास चरती उनकी धेनु, क्या इसके बिना श्री कृष्ण की तस्वीर पूरी हो सकती है? हो सकती है क्या? क्या दूध, दही, माखन के बिना बाल गोपाल की कल्पना कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? साथियों, प्रकृति, पर्यावरण और पशुधन के बिना जितने अधूरे खुद हमारे आराध्य नजर आते हैं, उतना ही अधूरापन हमें भारत में भी नजर आएगा। पर्यावरण और पशुधन हमेशा से भारत के आर्थिक चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यही कारण है कि चाहे स्वच्छ भारत हो, जल जीवन मिशन हो, या फिर
कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन, प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन बनाकर ही हम सशक्त और नए भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आज अनेक बड़े संकल्प हमने यहां लिए हैं और मैं मानता हूं देश के कोटि कोटि पशुओं के लिए, पर्यावरण के लिए, पर्यटन के लिए ऐसा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए व्रज भूमि से बेहतर हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई है। नेशनल एनिमल डिजीज उस कंट्रोल प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। पशुओं के स्वास्थ्य संवर्धन, पोषण और डेयरी उद्योग से जुड़ी कुछ अन्य योजनाएं भी शुरू हुई है। इसके अलावा मथुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी आज हुआ है। इन योजनाओं परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हिंदुस्तान के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में उस क्षेत्र के हजारों किसान एक एक केंद्र पर इकट्ठे होकर के इस पारे नजारे का अनुभव कर रहे हैं। कोटि कोटि किसान और पशुपालक आज व्रज भूमि के साथ टेक्नोलॉजी से सीधे जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब से कुछ दिन बाद हमारा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का पर्व मनाएगा। महात्मा गांधी का प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति जो आग्रह था, उससे सीखना, अपने जीवन में उतारना हम सभी भारतीयों का दायित्व है और उन्हें यही उत्तम से उत्तम सच्ची श्रद्धांजलि भी है। महात्मा गांधी 150 ये प्रेरणा का वर्ष है। स्वच्छता ही सेवा के पीछे भी यही भावना जुड़ी हुई है। आज से शुरू हो रहे इस अभियान को इस बार विशेष तौर पर प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए समर्पित किया गया है। भाइयों और बहनों, प्लास्टिक से होने वाली समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है। आप व्रजवासी तो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे प्लास्टिक पशुओं की मौत का कारण बन रही है। इसी तरह नदियां, झीलों, तालाबों में रहने वाले प्राणियों का, वहां की मछलियों का प्लास्टिक को निगलने के बाद जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हमें सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार उपयोग करके हम फेंक देते हैं, उससे छुटकारा पाना ही होगा। हमें ये कोशिश करनी है
कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने कार्यक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। मैं देश भर में गांव-गांव में काम कर रहे हर सेल्फ हेल्प ग्रुप से, सिविल सोसाइटी से, सामाजिक संगठनों से, युवा मंडलों से, महिला मंडलों से, क्लबों से, स्कूल और कॉलेज से, सरकारी और निजी संस्थानों से, हर व्यक्ति हर संगठन से इस अभियान से जुड़ने के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत आग्रह करता हूं। आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें ये करना ही होगा। आप प्लास्टिक का जो कचरा इकट्ठा करेंगे उसको उठाने का प्रबंध प्रशासन करेगा और फिर उसको रिसाइकल किया जाएगा। जो कचरा रिसाइकल नहीं हो सकता उसको सीमेंट फैक्ट्रियों में या फिर रोड बनाने में काम लाया जाएगा। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ ऐसी महिलाओं से मिलने का अवसर मिला है जो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को अलग अलग करती है। इस प्लास्टिक का अधिकांश भाग रिसाइकल कर दिया जाता है। इससे उन महिलाओं को आमदनी भी हो रही है। मैं समझता हूं इस तरह का काम गांव-गांव में किए जाने की जरूरत है। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन की ये सोच ही हमारे पर्यावरण की रक्षा करेगी, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएगी। साथियों, स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ ही कुछ परिवर्तन हमें अपनी आदतों में भी करने होंगे। मैं आपसे लाल किले से भी इस बारे में बता चुका हूं, आज फिर इस विषय को उठा रहा हूं। हमें यह तय करना है कि हम जब भी दुकान में, बाजार में सब्जी लेने के लिए, कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं, तो साथ में अपना झोला, थैला, बैग जरूर लेकर के जाएं। कपड़े का हो, जूट का हो, अवश्य ले जाएं। पैकिंग के लिए दुकानदार प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा। मैं तो इसके भी पक्ष में हूं कि सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यक्रमों में भी प्लास्टिक की बोतलों के बजाय मेटल या मिट्टी के बर्तनों की व्यवस्था हो। साथियों, जब पर्यावरण साफ रहता है, आसपास गंदगी नहीं रहती, तो इसका सीधा और सकारात्मक असर स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है। मैं योगी जी की सरकार की प्रशंसा करूंगा कि वो स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। ये उनकी सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है और जिसका अभी विस्तार से ब्यौरा योगी जी ने दिया। मस्तिष्क ज्वर के कारण, उस बुखार के कारण और पार्लियामेंट का कोई ऐसा सत्र नहीं जाता था
जब योगी जी जब पार्लियामेंट के मेंबर थे, इस मुद्दे पर दर्दनाक कथा सुना करके देश को जगाने की कोशिश करते थे। हजारों बच्चे मरते रहते थे। जब योगी जी की सरकार बनी, अभी तो शुरुआत थी, लेकिन उसी मौत को लेकर के जिस योगी जी ने जिस बीमारी के खिलाफ जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट को जगाया, देश को जगाया, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुपों ने उस सारे हादसे को, पुरानी बातों को भुला करके उन्हीं के माथे पर मढ़ दिया। लेकिन योगी जी डिगे नहीं, डरे नहीं। जिस मुद्दे को लेकर के 30-40 साल से वो लगातार काम कर रहे थे, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। और अभी जो आंकड़े दे रहे थे, वो आंकड़े मैं नहीं जानता हूं मीडिया के ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देश को जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से जिस गंभीर बीमारी जिसका मूल कारण गंदगी, और हमने हमारे हजारों बच्चे खो दिए, काफी मात्रा में सफलता के साथ योगी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। मैं उन्हें इस मानवता के पवित्र कार्य में स्वच्छता को बल देकर के बच्चों की जिंदगी बचाई है, इसके लिए इसमें जुड़े हुए सब किसी को, नागरिकों को, परिवारों को, संस्थाओं को, सरकार को, हर किसी को बधाई देता हूं और एक प्रकार से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पर्यावरण और स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक और विषय है, जल संकट। और जल संकट का उपाय है जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत जल संरक्षण और हर घर जल पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, हमारी माताओं बहनों को सुविधा मिलेगी। पानी पर खर्च कम होने का सीधा मतलब है कि उनकी बचत भी बढ़ेगी। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन और दूसरे व्यवसायों का भी बहुत बड़ा रोल है। पशुपालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो या मधुमक्खी का पालन हो, इन पर किया गया निवेश ज्यादा कमाई कराता है। अप्रोच के साथ आगे बढ़े हैं। पशुधन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स की वैरायटी को विस्तार देने के लिए जो भी जरूरी कदम थे वो उठाए गए हैं। दुधारू पशुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया और इस वर्ष देश भर के पशुओं की उचित देखरेख के लिए कामधेनु आयोग बनाने का निर्णय हुआ। इसी नई अप्रोच का परिणाम है कि 5 साल के दौरान दूध उत्पादन में करीब 7% की वृद्धि हुई है। साथ ही किसानों पशुपालकों की आय में इससे करीब 13% की औसत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मैं अपना एक अनुभव बताऊं, अफ्रीका में एक छोटा सा देश है रवांडा, मैं पिछले वर्ष वहां गया था और वहां यहां जो खबरें आई उसको लेकर कुछ लोगों ने तूफान भी खड़ा कर दिया था कि मोदी जी ने रवांडा में जाकर के 250 गाय
250 गाय भेंट करने का कार्यक्रम किया, लेकिन देश के सामने पूरी बात लाई नहीं गई। रवांडा जैसा देश, अफ्रीका का देश, वहां एक अद्भुत योजना चल रही है। वहां की सरकार रवांडा में गांव के अंदर गाय भेंट देते हैं लोगों को, और फिर उनका जो पहली बछड़ी होती है वो नियम है कि वो सरकार वापस लेती है, और जिसके पास गाय नहीं है उसको वो बछड़ी भेंट दी जाती है। ये पूरा चेन चलता है, और उनकी कोशिश है कि रवांडा के गांव में हर घर के पास गाय पशुपालन, दूध उत्पादन और उसकी इकोनॉमी का आधार बने। बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने इसका प्लान किया हुआ है, और मुझे भी रवांडा के गांव में जाने का मौका मिला, इस योजना का उद्घाटन करने का मौका मिला, और वहां किस प्रकार से गांव के जीवन में पशुपालन और खास करके गाय के दूध के द्वारा रोजी रोटी कमाने का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है, और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत मूल्यवान बात है। कोई कल्पना करे क्या पशुधन के बिना अर्थव्यवस्था चल सकती है? क्या गांव चल सकता है? क्या गांव का परिवार चल सकता है? क्या लेकिन पता नहीं कुछ शब्द सुनते ही करंट लग जाता है कुछ लोगों। साथियों, पशुधन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद 100 दिन में जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से एक पशुओं के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। इस अभियान को विस्तार देते हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथियों, आप सभी ये भलीभांति जानते हैं कि पशुधन का बीमार होना कितना बड़ा झटका होता है। हमारे पशु बार बार बीमार न हो उनके इलाज पर किसानों को बेवजह खर्च न करना पड़े, पशुपालक को खर्च न करना पड़े, इसी सोच के साथ आज 13,000 करोड़ रुपए के एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिसीज, उससे मुक्ति। पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें, इसका एक व्यापक अभियान हम आरंभ कर रहे हैं। एफएमडी यानी फुट टू माउथ डिसीज, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में कुछ इलाकों में उसके लिए शब्द प्रयोग रहता है मुंह पका। ये मुंह पका जो बीमारी है उसके उपाय, बीमारी से मुक्ति का यह अभियान है। और आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया के कई देशों ने
इस काम से अपने देश में अभियान चला करके पशुओं को इस बीमारी से मुक्ति दिला दी है। कई छोटे छोटे देश, गरीब देश, उन्होंने काम कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से इतनी सरकारें आकर के गई, इसको अभियान पर लिए बिना हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दुनिया के गरीब छोटे देश अगर पशु को मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, तो श्री कृष्ण की धरती पर तो कोई पशु ऐसी मुसीबत में जीना नहीं चाहिए। और इससे मुक्ति के लिए 51 करोड़ गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअरों को साल में 2 बार टीके लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा उनको पशु आधार यानी यूनिक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जाएगा। पशुओं को बाकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हमारा पशुधन स्वस्थ रहे, पोषित रहे और पशुओं की नई और उत्तम नस्लों का विकास हो। इसी रास्ते पर चलते हुए हमारे पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी, हमारे बच्चों को उचित मात्रा में दूध भी उपलब्ध होगा और दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत की पहचान भी बनी रहेगी। भाइयों और बहनों, भारत के डेयरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए हमें इनोवेशन की जरूरत है, नई तकनीक की जरूरत है। ये इनोवेशन हमारे ग्रामीण समाज से भी आए, इसलिए आज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, मैं खास करके नौजवानों को कहता हूं, बेंगलोर हैदराबाद में स्टार्टअप की जाल पर काम करने वाले देश के होनहार नौजवानों को विशेष रूप से कहता हूं, आईआईटी में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को विशेष रूप से कहता हूं, आइए स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के अंदर जिसकी आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप उससे जुड़िए और आप, हमें समाधान खोजना है कि हरे चारे की उचित व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, उन्हें भी पोषक आहार कैसे मिले, प्लास्टिक की थैलियों का सस्ता और सुलभ विकल्प क्या हो सकता है। ऐसे अनेक विषयों का हल देने वाले स्टार्टअप शुरू होने चाहिए, शुरू किए जा सकते हैं और भारत सरकार आज उस चैलेंज को आपके सामने लॉन्च कर रही है। आइए नए नए आइडियाज लेकर के आइए। अरे, देश की समस्याओं का समाधान देश की मिट्टी से ही निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं अपने युवा साथियों को आश्वस्त करता हूं कि उनके आइडियाज पर गंभीरता से विचार होगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और जरूरी निवेश की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे रोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, मथुरा सहित ये पूरा ब्रज क्षेत्र तो आध्यात्म और आस्था का स्थान है। यहां हेरिटेज टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि योगी जी की सरकार इस दिशा में सक्रियता से काम कर रही है। आज मथुरा, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना में सुंदरीकरण, ब्यूटिफिकेशन और कनेक्टिविटी से जुड़े
अनेक प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। यहां बनने वाली सुविधाएं सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। वहां पीएम की जो मेडिकल टीम है वो जरा वहां पहुंचे और वो साथी गिर गए हैं उनको जरा मदद करें। पीएम की जो मेडिकल टीम है वो तुरंत वहां पहुंचे। यहां बनने वाली सुविधाएं सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के टूरिज्म को बहुत ताकत देने वाली है। बीते 5 वर्षों में टूरिज्म का जिस तरह से प्रोत्साहन दिया गया है उससे भारत की रैंकिंग में बहुत बड़ा सुधार आया है। कुछ ही दिन पहले टूरिज्म की ग्लोबल रैंकिंग के परिणाम आए हैं। इसमें भारत 34वें नंबर पर पहुंच गया है जबकि 2013 में भारत 65वें नंबर पर था। भारत की ये सुधरती हुई रैंकिंग इस बात का भी गवाह है कि इस क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर निरंतर बने रहे हैं। साथियों, 11 सितंबर का आज का दिन एक और वजह से विशेष है। एक सदी पहले आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण के माध्यम से पूरे विश्व ने हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारी परंपराओं को और गहराई से समझा था। अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व शांति के लिए भारत का दर्शन भी सामने रखा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी 11 सितंबर को 9/11 को अमेरिका में इतना बड़ा आतंकी हमला किया गया कि दुनिया दहल गई। भाइयों और बहनों, आज आतंकवाद एक विचारधारा बन गई है जो किसी सरहद से नहीं बंधी है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल थ्रेट बन गया है जिसकी मजबूत जड़ें हमारे पड़ोस में फल फूल रही है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को, आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने वालों के खिलाफ आज पूरे विश्व को संकल्प लेने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। भारत अपने स्तर पर इस चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है, ये हमने भी दिखाया भी है और आगे भी दिखाएंगे। हाल में आतंक निरोधी कानून को कड़ा करने का फैसला भी इसी दिशा में किया गया प्रयास है। अब संगठनों का नाम बदलकर आतंकी अपने कारनामों को नहीं छुपा पाएंगे। भाइयों और बहनों, समस्या चाहे आतंक की हो, प्रदूषण की हो, बीमारी की हो, हमें मिलकर इनको पराजित करना है। आइए संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ें और आज जिस उद्देश्य के लिए है हम यहां इकट्ठे हुए हैं उनको हासिल करने का प्रयास करें। एक बार फिर आप सभी को विकास की अनेक अनेक नई नई परियोजनाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए,
दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की।